भारत माता की जय, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि अब हम झुकते नहीं, दुश्मन को झुका देते हैं। नौकरियां नहीं, ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में किसका राज चलता है, इमरान खान का या फिर कट्टरपंथियों का। ऑपरेशन लोटस के तहत ही आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी ना, अब ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चल रहा है, अब राजस्थान की बारी। भारतीय लोकतंत्र में रोज ही नए मुद्दे सुर्खियों में रहते हैं, पर मीडिया हमारा कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही ध्यान देता है और उन्हीं मुद्दों पर सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से करता है। इसकी दूसरी तरफ हमारा आजाद मीडिया भी है जो सत्ता से सवाल करता है और जनता के असल मुद्दे भी उठाता है। आज हम दोनों तरफ के मीडिया द्वारा पिछले हफ्ते की गई डिबेट्स के मुद्दों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। अर्नब की ज्यादातर डिबेट विपक्ष को टारगेट करती दिखाई देती हैं। देखते हैं अर्नब ने पिछले 5 डिबेट किन मुद्दों पर किए। पहला, विकास के परिवार ने कहा एनकाउंटर सही, तब सबूत गैंग के सवाल क्यों। दूसरा, महाकाल कैसे बने विकास का काल। तीसरा, सियासी मदद से विकास बना माफिया। चौथा, विकास दुबे का सियासी मददगार कौन। और पांचवा, 48 घंटे में चीन ने किया सरेंडर। इसके अलावा अर्नब चीनी सेना के पीछे हटने के श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते दिखाई दिए और उनकी तारीफ भी करते दिखाई दिए। आज पूरा देश जयकार कर रहा है, कह रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि अब हम झुकते नहीं, दुश्मन को झुका देते हैं। गलवान विवाद के 20 दिन बाद चीन LAC से 2 किलोमीटर पीछे चला गया। एक बात मैं साफ कर दूं कि चीन पीछे गया नहीं है, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है, हमने उसे धकेल कर भगाया है, धकेल कर। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दरवाजे तक पहुंचकर उसे बता दिया था, अरे चीन, अगर चीन युद्ध चाहता है तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के 48 घंटे बाद ही चीन औकात में आ गया है। अब बात करते हैं गोदी मीडिया के दूसरे पत्रकार यानी कि दीपक चुरसिया की। दीपक की डिबेट के मुद्दे या पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम पर ही फोकस करते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर डिबेट किए। पहला, आज का मुद्दा, कॉन्स्पिरेसी टू एलिमिनेट बलोच इन बलोचिस्तान। दूसरा, वॉज अरेस्ट फिक्स, ऑपोजिशन आस्क्ड क्वेश्चन। तीसरा, द अरेस्ट ऑफ विकास दुबे विल एक्सपोज ट्रेटर्स। चौथा, वाई द चाइल्ड टॉडलर फेनेटिक इन पाकिस्तान। और पांचवा, कॉन्स्पिरेसी टू बर्न दिल्ली प्लान्ड इन शाहीन बाग। दीपक चौरसिया ने अपनी डिबेट में पाकिस्तान का मुद्दा उठाया और इमरान खान की भी आलोचना करते दिखाई दिए। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में किसका राज चलता है, इमरान खान का या फिर कट्टरपंथियों का, क्योंकि सरकार ने वहां पर मंदिर बनाने की जो जगह दी थी उस पर कट्टरपंथियों को बेहद ऑब्जेक्शन है, उन्होंने इसे रोक दिया है, तोड़ दिया है। यहां तक कि मंदिर की नींव जो बनी हुई थी जिसे तोड़ा गया उस पर अजान भी पड़ी गई। इमरान खान डर गए हैं, खामोश हैं, मामला हाईकोर्ट के अंदर गया है। क्यों हो रहा है ऐसा, वो तो भाई बड़ा देश है, इमरान खान कहते हैं कि यहाँ तो हर कोई सुरक्षित है, अमेरिका चीन से लेके लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं मैं अब आपको दिखाता हूँ एक तस्वीर। जब पाकिस्तान का वजीर आजम किसी बड़े फंक्शन के लिए आता है तो उसके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, पर इमरान खान इतने मशहूर और इतने अच्छे और इतने फेवरेट वजीर आजम है कि उनके लिए बाथरूम कारपेट बिछा दिया गया। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार के खिलाफ आज भी आवाज उठा रहा है और जनता के मुद्दे उठा रहा है, जो मुद्दे शायद मेनस्ट्रीम मीडिया से धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। रवीश अपने शो के जरिए जनता के मुद्दों पर सरकार से सीधे सवाल करते हैं। आइए देखते हैं रवीश ने पिछले डिबेट किन मुद्दों पर किए। पहला, विकास दुबे के एनकाउंटर पर उठे सवाल। दूसरा, विकास दुबे की कहानी वेंटिलेटर के झूठे विकास के जैसी है। तीसरा, EWS वालों को आयु सीमा में छूट चाहिए। चौथा, क्या 15 अगस्त तक कोरोना की दवा खोज लेगा भारत। और पांचवा, क्या बेरोजगारी का मुद्दा बेकार हो चुका है। रवीश ने अपने प्राइम टाइम के जरिए कोरोना काल के दौरान नौकरियों पर आए संकट पर बात की। नौकरियां नहीं, ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं।
लाखों की फीस देकर जो नई पीढ़ी अलग अलग प्रोफेशनल संस्थानों से निकल रही है वो कहां जाए। कोविड-19 के दौर में इस नई पीढ़ी पर बहुत मार पड़ी है। जो लोग नौकरियों में थे उनकी तो नौकरी ही चली गई, इसके बाद भी रोजगार मुद्दा नहीं है। राजनीति का ऐसा समय जब बेरोजगारी चरम पर हो और मुद्दा ना हो तो वो नेता बनने के लिए कमाल का समय होता है, क्योंकि वो आसान होता है। ऐसा नहीं है कि नौजवानों ने कोई कसर छोड़ी हो, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया है, अखबारों ने भी छापा है, टीवी ने भी दिखाया है। अगर मीडिया ने नहीं भी दिखाया तो मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए। पर असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजनीति अब जनता के नियंत्रण में नहीं रही। इसका मतलब यह हुआ कि जनता नहीं तय कर पा रही है कि नेता या मंत्री क्या बात करें। इसके अलावा रवीश ने अपने शो में गुजरात की फेक वेंटिलेटर वाली स्टोरी का भी जिक्र किया। अब जरा वेंटिलेटर की बात करते हैं, हम सब की जिंदगी ज्यादा वहां जुड़ी हुई है। जून के अंत तक 50,000 वेंटिलेटर लाए जाने की बात हुई थी। कितने आए किसी को ये घोषणा याद है? जो भूल चुके हैं वही ज्यादा सुखी हैं। कम से कम मैसेज नहीं करना पड़ता है कि 50,000 वेंटिलेटर आया कि नहीं, पता कीजिए। मई के महीने में अहमदाबाद मिरर और दिव्य भास्कर ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में नकली वेंटिलेटर लगा दिए जाने पर विस्तृत रिपोर्ट की थी, फेक वेंटिलेटर। 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री रूपाणी सिविल अस्पताल गए थे इसी का उद्घाटन करने। पता चला कि राजकोट की जिस कंपनी ने वेंटिलेटर दान में दिया था वो वेंटिलेटर ही नहीं। कई सारे सवाल उठे मगर जो जवाब मिला वो सिर्फ जवाब के जैसा ही था, जवाब नहीं था। इन दिनों सब नॉर्मल है। फेक वेंटिलेटर की ये स्टोरी अब शांत हो चुकी है। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। संदीप अपनी डिबेट में सत्ता सरकार के नेता से सीधे सवाल करते हैं और जनता के मुद्दे भी उठाते हैं। देखते हैं उन्होंने पिछले हफ्ते किन मुद्दों पर डिबेट्स किए। पहला, जनता बड़ी या सत्ता, क्या इस संकट काल में भी सिर्फ राजनीति होगी? दूसरा, राजनीति वाले गुंडों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट कब? तीसरा, गैंगस्टर विकास दुबे मर गया, बड़ी मछलियां बच गई? चौथा, गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया या पकड़वाया गया? और पांचवा, कानपुर से फरीदाबाद कैसे पहुंच गया गैंगस्टर विकास दुबे? संदीप ने अपनी डिबेट में संकट के समय भी मंत्रियों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाया और इस पर संबित पात्रा से तीखे सवाल भी किए। तो संबित, जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, गलत तो नहीं पूछ रहा हूँ, संकट काल में भी राजनीति होगी? वो जो मराठी भाषा में कहते हैं ना, राजनीति चालू आहे। तो क्यों चालू आहे? तीनों बीमारी कांग्रेस को हो रखी है, परिवारवाद, जातिवाद, महत्वाकांक्षावाद, सब कुछ वही हो रखा है और वो गाली भाजपा को दे रहे हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत ही आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी ना, 22 विधायक आपके खेमे में आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए। अब ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चल रहा है, अब राजस्थान की बारी, मानसून वहां पहुंच गया है। देखिए, जिसका ऑपरेशन होना चाहिए वो पेशेंट ऑपरेशन करवा नहीं रहा है। कांग्रेस नामक पेशेंट का अब ऑपरेशन होना चाहिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, पहला हक आपका होना चाहिए था, जो हुआ वो पूरा देश जानता है। पर आप गोवा की बात हो, मध्य प्रदेश में सीधे सीधे सरकार किसी और की बनी, आपने बनाई ना, मैं वो बनी कैसे? मेरा सवाल ये है, जब मैं कहता हूं जनता बड़ी है कि सत्ता, मतलब सत्ता सरकार बनाना इतना जरूरी है? अभी और देश की दिक्कतें, जनता की दिक्कतों पर फोकस करने की जरूरत नहीं, सत्ता आती रहे, कोरोना चलता रहेगा, अब तो आदत पड़ गई सबको। आपने दोनों तरफ के मीडिया को सवाल उठाते हुए देखा। हम यही उम्मीद करेंगे कि गोदी मीडिया भी आजाद मीडिया से सीख लेकर जनता के मुद्दों को उठाना शुरू करेगा और सरकार से सवाल करने की हिम्मत भी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।